हाँ बताओ बताओ, पावर का यूनिट बताओ, डायमेंशन बताओ। वर्क बाय टाइम। हाँ। अरे इस विनी ने आईआईटी क्रैक किया था क्या गलती से? जिसका तो वर्क इज लाइक एनर्जी, तो एनर्जी मतलब कि क्या बोलते तो फोर्स, फोर्स से कुछ तो रिलेटेड रहता है। चल मैं बताता तेरे को। नहीं नहीं रुक, फोर्स F equal to M, इतना याद है। गलती से थैंक यू। क्या फॉर्मूला है वर्क का? फॉर्मूला वही तो याद नहीं आ रहा ना, वर्क क्या था तो आर क्रॉस F। फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस, आर डिस्टेंस होता था। अरे यार आर, आर मतलब वो वैसा डिस्टेंस का यूनिट जैसा ना, डिस्टेंस रहता था कि डिस्प्लेसमेंट रहता था? अरे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग रहता है वो पता है, लेकिन उनका यूनिट तो सेम रहता है ना। ठीक है तो अपन डायमेंशंस निकाल रहे तो यूनिट तो ठीक है ना। ठीक है तो एल, एक एल आ गया, एल और टी माइनस वन फिक्स हो गया, फोर्स बचा है। फोर्स एम इंटू ए, एम मतलब की के जी, केजी का क्या लिखते हैं अपन, एम लिखते हैं ना। तो एम एल टी माइनस वन और क्या बचा, ए। ए यानी कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन था वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी तो यही रहता मीटर पर सेकेंड, यानी कि एल टी माइनस टू, तो क्या हो गया एम एल टू टी माइनस थ्री। कब ग्रेजुएट हुए तुम? यही साल हुए ना? अच्छा है। फिर वो जेई में लगता, उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर में लगता, उसके बाद नहीं लगता ये सब। अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं लगता। ठीक है।